भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी व नशे के काले कारोबार को लेकर बुधवार को एडवोकेट व समाज सेवी राजीव गौतम ने सनोली में ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर राजीव गौतम ने कहा कि काफी समय से क्षेत्र में कोई भी उद्योग न लगने की वजह से बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक व पूर्व विधायक चुनावों के समय बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादों को भूल जाते हैं। गौतम ने कहा कि जनहित में कार्य करने की बजाय वे अपने समर्थकों के उत्थान के कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक व पूर्व विधायक को बताना चाहिए कि इस क्षेत्र में वे कोई उद्योग क्यों नहीं लगा पाए। राजीव ने कहा, आज सारा देश लगातार बढ़ रही महंगाई से परेशान हो चुका है। रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश केंद्र सरकार न चलाकर कुछ उद्योगपति चला रहे हैं। वे जब चाहे चीजों के मूल्य बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर लोगों की जेब में डाका डलवा रही है, जो कि सही नहीं है। राजीव ने कहा कि क्षेत्र में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है, जिस वजह से नौजवानों का भविष्य अंधकार में हो गया है। इस नशे के कारोबार पर भी रोक नहीं लगाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक क्षेत्र की समस्याओं को हल नहीं किया जाता, तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए महतपुर बसदेड़ा से नवीन हंस।